हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलिज नोट मेकिंग क्लासेस। आज जिस टॉपिक पे हम नोट बनाने वाले हैं वो है प्रोस्पेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट का अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का सेक्शन 1.3 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसका इन्फेंसी स्टेज। हम इस स्टेज के बारे में जानेंगे, ये स्टेज कौन से एज ग्रुप से कौन से एज ग्रुप तक होता है, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट होती हैं, क्या क्या ग्रोथ होता है और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला, जन्म से लेकर 2 साल की उम्र तक, उसको हम इन्फेंसी बोलते हैं और बच्चे को इन्फेंट कहा जाता है जो जन्म से लेकर 0 से लेकर 2 इयर्स तक होता है। उसके बाद वाला स्टेज होता है अर्ली चाइल्डहुड, जो होता है 2 साल से लेकर 6 साल तक। लेटर चाइल्डहुड 6 साल से लेकर 12 साल तक। हम इन दोनों को कंबाइन करके 2 साल से लेकर 12 साल तक चाइल्डहुड में गिनते हैं, रादर देन अर्ली और लेटर चाइल्डहुड। और बुक में भी इसके कैरेक्टरिस्टिक चाइल्डहुड के हिसाब से ही दिए गए हैं। और उसके बाद आता है एडोलेसेंस, जो 12 साल से लेकर 19 साल तक होता है, 19 इयर्स। फ्रेंड्स, ये टीनेज का टाइम होता है, जिस तरह हम बोलते हैं 13 से लेकर 19, बिकॉज वो नंबर्स में भी टीन आपको मिलता है, तो ये वही स्टेज है। एडोलेसेंस इज टीनेज। तो 4 तरीके के स्टेजेस है, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। आज इस वीडियो में हम इन्फेंसी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इन्फेंसी स्टेज में क्या क्या डेवलपमेंट होता है या ग्रोथ होता है, उसको जानने से पहले अगर हम समझ लें कि एक इंडिविजुअल में क्या क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती हैं, तो हमें ये इन्फेंसी हो या चाइल्डहुड हो या एडोलेसेंस हो, ये काफी इजी होगा लिखने में और हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रही हूँ और आप इसे समझें कि अगर आपको डेवलपमेंट के बारे में जानना है तो आप खुद को एक रोल मॉडल बनाएं और सोचें कि आप में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। पहला जो आपने डेवलपमेंट हुआ है, आपने जो फील किया डेवलपमेंट, वो है आपका हाइट का बढ़ना, आपके वेट का बढ़ना, तो वो था आपका, वो है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। उसके बाद आपका इमोशंस आते हैं, आप कभी दुखी होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी किसी को लेकर उसकी भावनाओं के, दूसरों के भावनाओं को समझ पाते हैं, वो आपके जो अंदर की फीलिंग्स होती है उसे हम बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। उसके बाद आप जो इमोशंस जाहिर करते हैं वो आपका सबसे ज्यादा किससे होता है, अपने माँ बाप से आपका लगाव होता है, इमोशनली अटैच्ड होते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी अटैच होते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, आप एक सोसाइटी में एक ग्रुप बनाते हैं अपने फ्रेंड सर्कल का, तो उसमें आपके फ्रेंड्स बढ़ते जाते हैं, आपके जान पहचान वाले बढ़ते जाते हैं, तो उसे हम बोलेंगे सोशल डेवलपमेंट। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपके फ्रेंड्स हुए तो उनके साथ आपको बात तो करनी ही पड़ेगी, उनकी बात समझनी पड़ेगी, तो उसे हम बोलेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो जब आप लैंग्वेज बोलते हैं, आपके फ्रेंड्स से बोलते हैं, तो क्या बोल रहे हैं आप, क्या वो क्या बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं कि नहीं, और वो क्यों बोल रहे हैं आप, ये सारी चीजें आप सोचना शुरू करते हैं और उस सोचने को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब ये हो गया कि आपने सोच भी लिया आप क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम जो बोलते हैं, हम जैसा हमारा लाइफस्टाइल होता है वो कहीं ना कहीं गवर्न होता है, हम किस परिवार से डील करते हैं, कौन से सोसाइटी में हैं, किस तरह के रिलीजन से हैं हम, हमारी फैमिली क्या नॉर्म्स फॉलो करती है, कौन से कल्चर से हैं, तो इसे हम बोलेंगे मोरल वैल्यूज या मोरल डेवलपमेंट। हमारे में काइंडनेस, सच बोलना, ऑनेस्टी, दूसरों की मदद करना, ये सारी चीजें मोरल डेवलपमेंट में जाएगी। यानी एक इंसान की 6 तरीके की डेवलपमेंट होती है, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज, इंटेलेक्चुअल और मोरल डेवलपमेंट। और पूरा जो है आपका चैप्टर ग्रोथ से लेकर डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या फिर वो आपका डायमेंशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जो पूरा 2-2 चैप्टर्स हैं, सारी चीजें इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप हर किसी स्टेज में लिख सकते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको कुछ भी दे दे, आप इस पे लिख पाएंगे, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग है कि क्या क्या डेवलपमेंट होती है ह्यूमन में। अब अगर बात करें हम इन्फेंसी की, जिसपे ये वीडियो मैंने बनाया है, इन्फेंसी होता है बर्थ से लेकर 2 साल तक। उसमें बच्चे के क्या होता है, बच्चा बढ़ता है साइज में, यानी फिजिकल डेवलपमेंट होता है, बच्चा रोता है तो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, बच्चा अपने माँ बाप को पहचानता है, 2 साल तक अपने दोस्तों या फिर भाई बहन से खेलता है, सोशल डेवलपमेंट,
फिर वो धीरे धीरे बात भी करना शुरू करता है 2 साल तक, मम्मा पापा। हाँ हो सकता है सेंटेंस नहीं बोलता पर वर्ड्स तो बोलना शुरू कर देता है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट। और उसके बाद उसकी एक छोटी मोटी छोटी सी सोचने की ताकत भी आ जाती है कि भाई ये खाना है, ये पहनना है, ऐसे जाना है। इस तरह की जो सोचने की ताकत आती है उसे हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बोलते हैं। मोरल डेवलपमेंट जो 6th डेवलपमेंटल फीचर है, 6th फीचर ऑफ डेवलपमेंट है, वो इन्फेंसी में नहीं आता, वो हम चाइल्डहुड में देखते हैं, यानी 2 साल के बाद के बच्चों में हम देख पाते हैं, और ये चीज एडोलेसेंस में भी दिखती है। तो फ्रेंड्स इन्फेंसी में जिस तरह हमने डिस्कस किया 5 तरीके के डेवलपमेंट होते हैं, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज और इंटेलेक्चुअल। तो ये थी एक जनरल कॉन्सेप्ट कि क्या क्या डेवलपमेंट होती है और क्यों क्यों होती है। अब हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली इन डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस आती हैं। फ्रेंड्स जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया लास्ट स्लाइड में कि पहले वाला जो डेवलपमेंट होता है फिजिकल डेवलपमेंट, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ द चाइल्ड मार्क्स रैपिड डेवलपमेंट, यानी पहले जीवन के 2 साल बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिजिकली बहुत ज्यादा रैपिड स्पीड पे होती है, बहुत ज्यादा जल्दी होती है। दूसरा जो है इट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज ऑफ हाइट, वेट एंड साइज, यानी ये जो रैपिड डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है उसकी हाइट में बढ़ना, वेट में बढ़ना और उसकी साइज में बढ़ना। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है द चाइल्ड डेवलप मस्कुलर कंट्रोल एंड मैनिपुलेटिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, यानी बच्चे की मसल कंट्रोल बढ़ जाती है, यानी पेन पकड़ने की ताकत, दौड़ने की ताकत, इन सब चीजों में डेवलपमेंट हम देखते हैं। उसके साथ मैनिपुलेटिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, किसी चीज को मोड़ना, तोड़ना या कुछ मैनिपुलेट करना, चेंज करना, उसकी भी कैपेसिटी में इंक्रीज आता है। लास्ट जो पॉइंट है वो है डेवलपमेंट फॉलो सेफालोकैनल एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल पैटर्न। इसका मतलब फ्रेंड्स यही ये है कि जो डेवलपमेंट, जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है इस स्टेज में, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है। और पैटर्न क्या होता है? सेफालो मींस ब्रेन, कैंडल मींस टेल। सो ब्रेन से लेकर टेल तक डेवलपमेंट होता है, यानी डेवलपमेंट शुरू होता है ब्रेन से और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता है, पैरों की तरफ बढ़ता है। और दूसरा जो है प्रॉक्सिमो डिस्टल पैटर्न, इसका मतलब ये है कि अंदर से बाहर तक, यानी जो डेवलपमेंट होता है वो पहले अंदर सेंटर पार्ट, यानी आपका बैकबोन हो या हार्ट हो या लंग्स हो, इनर पार्ट का होता है, उसके बाद वो पेरिफेरी तक आता है, यानी हमारे लिम्स, हमारे हाथ पैर तक आता है। तो जो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, वो सेफालोकैनल एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल पैटर्न फॉलो करता है। फ्रेंड्स प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के वीडियो में मैंने ये सेक्शन और इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की है, तो आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद जो डेवलपमेंट आता है, सेकेंड टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो है इन्फेंसी स्टेज में है, वो है इमोशनल डेवलपमेंट। उसमें होता है इनिशियली इन्फेंट शोज इमोशंस ऑफ पेन एंड प्लेजर, बट ग्रेजुअली फियर, एंगर, अफेक्शन, इमोशंस आर डेवलप। यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके इमोशन सिर्फ रोना या खुश होना होता है। उसके बाद धीरे धीरे उस वो जैसे बढ़ना शुरू करता है तो वो जो खुश होना और जो पेन, वो तो उसके जो भावनाएं हैं वो थोड़े भिन्न होने लगती हैं। और फिर गुस्सा करना, एंगर होना या फिर अफेक्शनेटली किसी को देखना, के अफेक्शन जाहिर करना, ये सारी भावनाएं उसकी शुरू होती हैं। यानी पेन और प्लेजर जो डायरेक्ट सिंपल 2 फीलिंग्स थी, अभी वो 4-5 तरीके के इमोशनल डेवलपमेंट उसके होने शुरू हो जाते हैं 0 से लेकर 2 साल तक। जो सेकेंड पॉइंट है वो है इट शोज डिफरेंट फॉर्म ऑफ इमोशंस फॉर पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, प्लेमेट्स एंड स्ट्रेंजर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। एक तो है यहाँ जो पेन एंड प्लेजर आप देखते हैं इनिशियली इन्फेंट में होता है, वो सबके लिए समान होता है। बच्चा माँ के पास हो, किसी के भी पास हो, अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा तो वो रोएगा, तो फीलिंग्स उसकी एक जैसी होती है। पर जब फीलिंग्स और इमोशंस चेंज होने शुरू हो जाते हैं, फियर, एंगर, अफेक्शन, इन सब में चेंज होने शुरू हो जाते हैं, तो वो इंडिविजुअल को लेकर भी चेंज होने शुरू हो जाता है। यानी पेरेंट्स को लेकर उसके डिफरेंट फीलिंग्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स को लेकर डिफरेंट होते हैं, माता को लेकर डिफरेंट, माता पिता को लेकर डिफरेंट होते हैं, या उसके दोस्तों को लेकर डिफरेंट होते हैं, या फिर स्ट्रेंजर्स को लेकर डिफरेंट होते हैं। यानी उसके इमोशंस पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। एक तो टाइप्स वेरी करते हैं, उसके बाद पर्सन टू पर्सन भी वेरी करते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो है चाइल्ड डेवलप लाइकिंग फॉर सर्टन थिंग्स एंड डिसलाइक फॉर अदर थिंग्स।
इसका मतलब इस स्टेज में, इन्फेंसी में, बच्चे कुछ चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा अफेक्शनेट हो जाते हैं, उन्हें वो चीज बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है, और कोई कुछ ऐसी चीजें उन्हें पसंद ही नहीं आती। जैसे कोई स्पेसिफिक कलर भी हो उन्हें पसंद नहीं आता, कोई कलर से उन्हें बहुत ही ज्यादा लगाव हो जाता है, कोई टॉय से उनका बहुत ही ज्यादा लगाव हो जाता है। तो ऐसी चीजें भी हम इन्फेंसी स्टेज में देखते हैं इन इमोशनल डेवलपमेंट। उसके बाद आता है सेंटिमेंट स्टार्ट टू डेवलप एट दिस स्टेज, यानी किसी चीज को लेकर भावुक होना, ये सारी फीलिंग्स भी इस स्टेज में शुरू हो जाती है। और लास्ट जो पॉइंट है, इमोशनल अटैचमेंट गेट स्ट्रॉन्गर। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेज में इमोशनल अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, यानी बच्चे बहुत जल्दी या तो रो पड़ते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, उसके साथ अपनी माता या पिता को लेकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। थोड़ी देर के लिए भी अगर माँ बाप या फिर जिन्हें वो बहुत पसंद करते हैं वो नहीं होते तो वो रोना शुरू कर देते हैं, तो उनका अटैचमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और ये मैंने बोला इसलिए जरूरी है क्योंकि चाइल्डहुड में ये चीज आप नहीं पाएंगे। चाइल्डहुड में आप देखेंगे कि इमोशनली बच्चा बहुत स्टेबल हो जाता है, यानी 2 साल के बाद वाला बच्चा बहुत ही इमोशनली स्टेबल होता है, पर इन्फेंसी में उसमें बहुत अटैचमेंट होती है और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनली आप बोल सकते हैं अनस्टेबल स्टेज में होता है, बहुत ही सेंसिटिव स्टेज में बच्चा होता है इन इन्फेंसी स्टेज। चलिए अब थर्ड पॉइंट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट्स एट होम फर्स्ट एंड हियर द चाइल्ड गेट्स फर्स्ट लेसन ऑफ सोशल बिहेवियर एंड मैनर। यानी जो सोशल डेवलपमेंट है बच्चे का वो पहले शुरू ही होता है घर से, और उसका जो फर्स्ट लेसन है सोसाइटी का, नॉर्म्स का, कि कैसे आपको दूसरों के साथ मिलना है, कैसे बात करना है, ये जो सोशल डेवलपमेंट होता है और ये बिहेवियर होता है, ये फर्स्ट लेसन उसे घर से ही मिलता है, और वो जो लेसन होता है वो जानता है उसको सोशल, उसका बिहेवियर और उसका मैनर हेल्प करता है बनाने में। तो यानी घर ही पहली चीज होती है जो उसे बताती है कि उसे किस तरह सोसाइटी में जीना चाहिए, चलना चाहिए, बात करना चाहिए। सेकेंड जो पॉइंट है वो है मदर इज द फर्स्ट कंपनी ऑफ द इन्फेंट एंड देन फादर एंड फैमिली मेंबर्स का। सो पहला जो सोशल, उसका सोशल अफेक्शन या कह सकते हैं सोशल फ्रेंड जो बोल सकते हैं आप, उसका जो फ्रेंड होता है, पहली फ्रेंड जो होती है वो उसकी खुद की माँ होती है, उसके बाद जाके उसके पिता या घर का कोई और सदस्य आता है। थर्ड पॉइंट है वो है इट एट दिस स्टेज ही begins to play with playmates and develop friendship. Friends, ये बहुत important है क्योंकि social behavior में friendship, cooperation, teamwork, ये सारी चीजें आपको मिलेगी, पर cooperation and teamwork ये childhood में मिलती हैं, यहाँ infancy में नहीं मिलती। infancy में सिर्फ friendship develop होता है बच्चे का, यानी बच्चा सिर्फ अपने दोस्त बनाना और उनके साथ दोस्ती में खेलना ये शुरू करता है। So, यहाँ उसके प्लेमेट्स बनते हैं और वो डेवलप करता है फ्रेंडशिप। जो चौथा पॉइंट है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। इनिशियली चाइल्ड स्टार्ट्स विद गिगल एंड क्राई टू एक्सप्रेस हिज पेन एंड प्रेशर। तो हमने जाना सेकंड में जो इमोशनल डेवलपमेंट था उसमें जाना था कि बच्चा जब स्टार्टिंग में सिर्फ पेन एंड प्लेजर शो करता है, उसके साथ इमोशंस के साथ लैंग्वेज बहुत डायरेक्टली लिंक्ड है। तो वो ये जो इमोशंस है पेन एंड प्लेजर वो किस लैंग्वेज में शो करता है, वो गिगल एंड क्राई से शो करता है, खुशी होना, हंसना या रोने से शो करता है। तो इनिशियली ये हंसना और रोना उसके लैंग्वेजेस होते हैं, बट बाय फर्स्ट ईयर इट स्टार्ट्स टू अटर फ्यू वर्ड्स एंड देन बाय 3 ईयर्स स्पीक सेंटेंसेस एंड एक्सप्रेस हिज थॉट एंड इमोशंस। यानी साल के पहले साल के जन्म के जो पहला साल है वो तब तक वो कुछ वर्ड्स बोलना शुरू करता है, फ्यू वर्ड्स वो बोलना शुरू करता है, बट 3 साल तक पहुंचते पहुंचते वो काफी कुछ बोलना शुरू कर देता है, सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता है, और वो सेंटेंसेस मीनिंगफुल सेंटेंस भी होते हैं और उसमें वो अपनी इमोशंस भी जाहिर कर सकता है। जो थर्ड पॉइंट है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ द हाउस। फ्रेंड्स ये बहुत जरूरी है, सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंट यानी सोशल कितना फैमिली में बच्चे के साथ लोग कितना बात करते हैं, कितना सोशल एनवायरनमेंट बच्चे को मिल रहा है, बच्चे के साथ कौन बात कर रहा है, बच्चा किसके साथ बात कर रहा है, कोई उसकी बात सुन रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होती हैं। और उसके साथ घर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है उसके हिसाब से भी बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। न्यूक्लियर फैमिली में देखा गया है जहाँ माता पिता बहुत बिजी रहते हैं वहाँ बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत डिलेड होती है, रादर देन जॉइंट फैमिलीज में जहाँ उसकी बात सुनने के लिए दादा दादी होते हैं और फैमिली मेंबर्स होते हैं, वहाँ बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट जल्दी होती है।
स्मिथ के रिसर्च के हिसाब से उन्होंने बनाया था कि 8 साल का बच्चा 0 वर्ड्स बोलता है, फर्स्ट ईयर तक बच्चा 3 वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है, 2 साल तक पहुंचते पहुंचते वो 272 वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है, बाय द एंड ऑफ 3 ईयर्स वो 826 वर्ड्स बोलता है, फोर्थ ईयर तक वो 1540 वर्ड्स बोलता है, फिफ्थ ईयर तक वो 2072 वर्ड्स बोलता है और सिक्स ईयर्स तक 2562 वर्ड्स बोलता है। फ्रेंड्स, ये टेबल आपको याद करना है। अगर एग्जैक्ट फिगर याद नहीं कर पा रहे, कोई इशू नहीं है, इट्स लाइक 272 है, आप 270 कर सकते हैं, 826 है, अप्रॉक्सीमेटली 800 वर्ड्स, 1500 वर्ड्स, 2000 वर्ड्स, 2500 वर्ड्स, ये आप कर सकते हैं। पर ये टेबल बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं बल्कि बाद में भी जो चैप्टर्स आएंगे उसके लिए भी ये टेबल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए हम नेक्स्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। यहाँ चाइल्ड रिसीव्स एक्सपीरियंस फ्रॉम इस इमीडिएट एनवायरमेंट, यानी सोचने और समझने की जो क्षमता होती है उसकी, वो उसका जो एक्सपीरियंस होता है, खुद का एक्सपीरियंस होता है, अपने आस पड़ोस के एनवायरमेंट को लेकर उसी से डेवलप होता है। आप अब सोच रहे हैं ये तो सबका होता है, हम सब अपने इमीडिएट एनवायरमेंट से ये एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका डिफरेंस ये है कि जब बच्चा चाइल्डहुड में पहुंचता है तो वो दूसरों के एक्सपीरियंस देखकर भी चीज़ों को समझ लेता है, परसीव कर लेता है, यानी ऑब्जर्वेशन से भी सीख जाता है कि भाई वहाँ आग है, आग, किसी का हाथ जल गया है तो आग को जला सकता है, मैं नहीं जाऊँगा। तो वो जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो चाइल्डहुड में आती है। बट यहाँ इन्फेंसी स्टेज में बच्चा क्या करता है, वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही चीज़ों को समझ पाता है, ऑब्जर्वेशन और लॉजिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ नहीं होती। तो अगर उसने मीठा खाया है, उसे मीठा पसंद है, तो वो नेक्स्ट टाइम मीठा खाएगा। उसने करेला कभी नहीं खाया, उसको टेस्ट उसका पसंद पता नहीं है, करेला कैसे लगता है वो ज़रूर चखेगा, वो मिठाई सोच के भी उसे चखेगा। पर अपने एक्सपीरियंस के बाद वो जब जानेगा कि भाई ये मिठाई नहीं है, ये तो कड़वा है, तो वो नहीं खाएगा नेक्स्ट टाइम। तो ये जो है, ये डिफरेंस है कि यहाँ वो अपने ही एक्सपीरियंस से और अपनी इमीडिएट सराउंडिंग, अपने आस पड़ोस की जो खुद की सराउंडिंग है उसके एक्सपीरियंस से ही उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। जो सेकेंड स्टेज है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है, वो है एट दिस स्टेज चाइल्ड इज एक्सपोज टू रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ क्या, 2 साल तक खत्म होते होते बच्चों को रीडिंग और राइटिंग का एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाता है, जो उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, प्ले स्कूल हैज ग्रेट इम्पोर्टेंस एज इट फैसिलिटेट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। यानी इस कारण की वजह से मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से प्ले स्कूल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं फॉर द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसमें प्ले स्कूल बहुत बड़ा पार्ट निभाते हैं, क्योंकि वहाँ वो रीडिंग और राइटिंग सीखता है, उसके साथ बहुत सारे एक्टिविटीज सीखता है जिसकी वजह से उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। चलिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक के साथ ये था लास्ट डेवलपमेंट स्टेज ऑफ इन्फेंट। हमने 5 स्टेजेस पढ़े, उनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको टॉपिक समझ में आया, तो आप इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिएगा, अपने व्यूज़ मुझे बताइएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।